हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा ईआईएफआई के बारे में। तो इथर कनेक्ट का आपको पता है, और जो ईआईएफआई प्लेटफॉर्म है उसका दूसरा कॉइन है, और प्रेजेंट टाइम में उसके प्राइस की बात किया जाए तो प्राइस जस्ट डबल हो गया है। मैं पिछले कई वीडियोस में आपको ये बताता आ रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में इसको बाई कर लीजिए, एक अच्छा प्राइस रेंज है और आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसका मेन रीज़न आपको पता है, उसका मेन रीज़न एएमएम डेक्स है, जो कि कंफर्मेशन में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी वो लिस्ट होने वाला है, पब्लिक होने वाला है एएमएम डेक्स। देखिए, अभी भी आपके हाथ से ये मौका निकला नहीं है, लेकिन अभी जो है प्राइस जस्ट डबल हो गया है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा रिस्क है। हो सकता है कि जाए ऊपर तो लोग प्रॉफिट अपना बुकिंग करें, ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने 25 सेंट पे भी ख़रीदा है, 20 पे भी ख़रीदा है और 30 पे अधिकतर लोगों ने ख़रीदा है। तो जस्ट डबल हो गया है तो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कल का मार्केट, देख लेते हैं क्या रहा है। ये आप देख सकते हैं 29 से मूव करता हुआ, 29 से मूव करता हुआ ये सीधे गया है आपका 60 सेंट पे, ठीक है। तो अगर आप मेरे को फॉलो करते होंगे और आपने बाई किया होगा तो कहीं ना कहीं आप 100% प्रॉफिट में रहे होंगे ईआईएफआई में, ठीक है। और अभी भी इसका प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एएमएम डेक्स का ज़्यादा ही लोगों के अंदर क्रेज भर चुका है कि एएमएम डेक्स आएगा तो हमारा प्राइस $1, $2, $5, $10 हो जाएगा। जाहिर सी बात है हो जाएगा, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा, डेट नहीं आएगी, तब तक ये नहीं जाने वाला है। और जहाँ तक मेरे को उम्मीद लगता है कि सिस्टम जो है हमसे बगैर बताए एएमएम डेक्स ले आएगा, और ऑलरेडी इसका प्राइस जो है पंप कर दिया जाएगा। मतलब नहीं समझा आप तो फिर से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं डेट कंफर्म करता हूँ कि भाई मैं 10 तारीख को एमएम डेक्स लेके आता हूँ सिस्टम में, ठीक है, तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, लोग बाई करना शुरू कर देंगे और ऑलरेडी बाई करके बैठ जाएंगे, ठीक है। और दस तारीख को जैसे ही एमएम डेक्स आएगा, उससे पहले ही इसका ईआईएफआई का प्राइस जो है $5, $7, $10 एवरेज पहुँच जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी इसके पास काफ़ी है और सारी की सारी कम्युनिटी इसको बाई करने शुरू कर देगी अगर 10 तारीख का डेट आता है। तो मेरे हिसाब से जो सिस्टम क्या करेगा कि आपको डेट क्लियर नहीं करेगा, और डेट क्लियर नहीं करने के साथ साथ में, जैसे इसने बोला लास्ट वीक, इस वीक के लास्ट में, यानी कि ऑन एन एवरेज 10 तारीख की एवरेज होता है, ठीक है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, इस हिसाब से 3 दिन और हैं, ठीक है ना, तो आज 7, 3, 10, तो 10 तारीख के एवरेज में ये आएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी वजह से इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। और जब भी एएमएम डेक्स लिस्ट होगा, उससे पहले क्या होगा कि कम्युनिटी हो गई या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो प्राइस इस ईआईएफआई में पैसा अपना डालेंगे, और पैसा डालने की वजह से आपको पता ही है इसका प्राइस जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे ये सोचने के लिए परेशान हो जाएंगे कि मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस है $2, $3, $5 ऑलरेडी हो जाएगा। फिर आप पीक में जाएंगे, यानी टॉप में जाएंगे और मार्केट में फंस जाएंगे, और आप फिर से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, फिर आके आप कमेंट करेंगे कि हम लॉस में चले गए, ठीक है। तो मैं पिछले कई वीडियोस में आपको ये बताता था कि भाई आप ईआईएफआई को ख़रीद लीजिए, एक अच्छा मौका है आपके पास प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। आपने ख़रीदा नहीं ख़रीदा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, कैसे ख़रीदना है इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमको क्या करना है, सबसे पहले चले आना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद हमारे पास कम से कम स्मार्ट चेन होना चाहिए, हमारे पास कम से कम $1 का स्मार्ट चेन होना चाहिए, हमारे पास अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कम से कम $1 का आपके पास स्मार्ट चेन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है डैप वाले सेक्शन पे। डैप वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ये पैनकेक स्वैप का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। पैनकेक स्वैप पे आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका ये जो नेटवर्क है ये स्मार्ट चेन में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि आपका वॉलेट जो है, ये वाला जो वॉलेट है ये कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मेन दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों अगर आपका कनेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ऊपर आप वाले में आपको क्या करना है, अगर आपके पास BNB है तो BNB रहने दीजिए, अगर BUSD है तो BUSD रहने दीजिए, ठीक है ना, दोनों से आपका बाई हो जाएगा। और नीचे वाला जो है सेलेक्ट करेंसी में आपको क्या करना है, EIFI करना है, जैसे EIFI, ठीक है ना, EIFI आप कलेक्ट सेलेक्ट करेंगे तुरंत आपको आ जाएगा। अगर आपके पास ECC है तो आप BNB के बदले ECC सर्च कर लीजिए, ECC से भी आपका बाई हो जाएगा, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट टाइम में ECC नहीं है, सो मेरे का यहाँ पे बैलेंस जीरो दिखा रहा है। आप ECC से EIFI में स्वैप कर सकते हैं, BNB से EIFI में स्वैप कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसी को सेल आउट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास EIFI 34 है, तो इतने में मेरे को 366 जो है
ECC टोकन मिल जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है वो देख लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आपको बाई करना हो EIFI, तो जो चीज़ बाई करनी होती है वो कॉइन आपका नीचे होता है, जिस चीज़ से बाई करना हो, जैसे मेरे पास BNB है या ECC है या BUSD, वो कॉइन ऊपर रहेगा, ठीक है ना, बाई करने के कंडीशंस में। अगर मुझे सेल करना है तो सेल करने में क्या होगा कि जो चीज़ मुझे सेल करना है वो चीज़ ऊपर रहेगा, और जो चीज़ मुझे लेना है, जैसे मेरे पास EIFI पड़ा है और मेरे को लेना है BNB, तो यहाँ पे क्या कर दूँगा, BNB ले कर दूँगा, या ECC बाई करना है तो ECC ले लूँगा, या फिर अदर कॉइन मेरे को लेना है तो वो मैं ले लूँगा, ठीक है ना। तो सेल करने के लिए ये कंडीशंस रहेगा। मान लीजिए प्राइस अगर जाता है $1, $2, $5, और आपके पास पड़ा हुआ है EIFI, तो आप मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर AMM DEX के अंदर डालेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप इतना करने के बाद एलिजिबल EIFI पे क्लिक करेंगे और स्वैप करेंगे 2 टाइम्स, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अगर मैं BUSD में, अगर नीचा नीचे वाला कॉइन अगर BUSD में करता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर एक EIFI की वैल्यूज़ क्या चल रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 53 सेंट का यहाँ पे भी दिखाई देगा। प्राइस में आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने का मिलेगा कि यहाँ पे EIFI का प्राइस और कॉइन मार्केट कैप पे प्राइस दोनों डिफरेंट दिख रहा है, ऐसा कोई सीन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन लीजिए और चलते हैं एक बार टेलीग्राम पे इनके अपडेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 आवर में इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि 100 कितना जाएगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बोला गया है। और साथ ही साथ में मैंने आपको सीधे सीधे बोला कि आपको अगर आप मिस कर देंगे ये मौका बाई करने का, तो आपको ये मान के चलिए 110% मिस करना पड़ जाएगा इसको। रीज़न ये सिर्फ रह जाएगा कि कम्युनिटी हो गई, चाहे कंपनी हो गया, जो भी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं इसके प्राइस को ऑलरेडी पंप करके बढ़ा देंगे और आप एक और मौका छोड़ देंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 54 सेंट चल रहा है, इसी हिसाब से आप देखिएगा, क्योंकि मैंने जो रिकमेंडेशन किया था वो 30 सेंट पे किया था। तो अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे इसको, लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है ना। अभी शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट देने का बस यही रीज़न बनता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए 24 आवर में लो देख लीजिए और 24 आवर में हाई देख लीजिए, ठीक है। 24 आवर देखिए, मैंने रिकमेंडेशन फिर भी 30 सेंट पे किया था, लेकिन 25 पे भी लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है जस्ट 2x का हो गया, यानी डबल का हो गया। तो आपने बाई किया नहीं किया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं यही कहूँगा कि AMM DEX का इंतज़ार रहेगा और बेनिफिट लेने का इंतज़ार रहेगा। तो आपको ये नहीं कह सकता कि भाई मैं लॉस में हूँ या जैसे भी हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से रिकमेंडेशन करता हुआ आ रहा था कि EIFI ले लीजिए, अदरवाइज़ आप मिस कर देंगे मौका और राइड। और ऑलरेडी जिन्होंने ख़रीदा होगा 2x उनका प्रॉफिट हो गया है, तो इन्जॉय करिए और वेट करिए, क्योंकि प्रॉफिट और भी मिलेगा यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।